आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। ऐसा हुआ मतलब कॉम्पिटिशन के दौरान, कॉम्पिटिशन से पहले या कॉम्पिटिशन के बाद कभी भी आपको लगा कि यार इसने मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की कोशिश करी? पिछले 2 साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर मैं गई थी तो मेरी पहली फाइट ईरान से थी। प्रैक्टिस एक फिक्स है कि डेली 5 घंटे करना है, क्योंकि हम बड़ा अचीवमेंट का करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब त्याग करना पड़ेगा। रेड रबर बैंड, मैम मेरे बाल को यूं करके बोलती हूँ, मैम शॉर्ट हेयर है, मैं तो मेरा तो कुछ रोल भी नहीं है। गुस्सा थोड़ा सा आता है भाई, गुस्से को हमें रिंग पे निकालना होता है। गुस्सा नहीं आएगा तो जीत नहीं पाएगा, जिसमें गुस्सा नहीं है तो वो रिंग में जीत नहीं पाएगा। आप रिंग में एंटर करते हो, क्या एक दिमाग में रहता है, क्या इमोशन एक दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में ये रहता है कि बस उसको हरा के आ जाऊंगी, कुछ भी हो जाए जीत के आना है मुझे बस। और पहले हम ताइक्वांडो करते थे, ताइक्वांडो के लिए ऑडिशन लिया था, बाद में उस गेम को हमने चेंज किया, फिर ये वुशु में आई। वुशु में जब पहली बार खेली, जैसे एक्सेप्ट करा ब्रॉन्ज को, वैसे मैंने गोल्ड को ज्यादा एक्सेप्ट करा है, लेकिन ब्रॉन्ज मैम मेरी चाह थी कि मैं गोल्ड ही जीतूं। आज का एपिसोड खुद में ही बहुत अलग है। इट्स रियली वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड द मोस्ट यूनिक एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद सुप्रिया। इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट बीइंग दैट वी हैव द यंगेस्ट गेस्ट इन आवर शो टुडे, एंड सेकेंडली दिस इज नॉट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन विद सुप्रिया, हाउएवर अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज वेरी क्लोज टू मी as I being a teacher to her. So without much ado, let us welcome Miss Divyanshi, the world wushu champion, and her coach Mr. Ashok Gautam, jinke calendar mein sirf ek hi date hoti hai, wo date hoti hai hardcore training ki. So let's start the show. Welcome to the show, Divyanshi. Thank you, ma'am. आपने मुझे यहाँ invite करा. Welcome to the show, sir. Thank you, ma'am. It's a great fortune. मतलब बहुत खुशी की बात है कि हमारा कोटा शहर इतना आगे बढ़ रहा है. Especially जब हम बात करते हैं लड़कियों की, तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अलग अलग फील्ड में नाम कमा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं. So, Divyanshi, if I talk about you, ये कब आया आपके दिमाग में कि मैं वुशु में जाऊँ, एक मार्शल आर्ट को अपनाऊँ? मैम मुझे मेरे पेरेंट्स ने शुरुआत में स्विमिंग में डाला था, तो स्विमिंग से करते करते मैं आगे बढ़ी बढ़ी, फिर मेरे को स्केटिंग में डाला। स्केटिंग के लिए हम स्टेडियम गए, तो वहाँ पे स्केटिंग के लिए हमें कोई मिला नहीं, लेकिन फिर आगे गए तो हॉल में सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ पे सर से मेरी मम्मी ने पूछा कि सर ये क्या है, क्या स्पोर्ट्स है, जब ताइक्वांडो ज़्यादा चलता था, तो मम्मी सर ने बोला कि ताइक्वांडो है और सारे बच्चे ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि सर कुछ ही महीने डालूंगी, एक बार देखेंगे कैसा लगता है, बच्ची कंफर्टेबल होगी नहीं होगी, उसको पसंद आएगा नहीं आएगा, पहले ये देखेंगे फिर ही हम आगे करवाएंगे। फिर मम्मी ने डाला, हमने करी प्रैक्टिस, मुझे अच्छा लगा। फिर आगे बढ़ते 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 टूर्नामेंट्स आए, उनमें पार्टिसिपेट करा और फिर मेडल्स जीते, अच्छा लगा। फिर आगे बढ़ती गई जैसे जैसे टूर्नामेंट्स आए वैसे। अच्छा, तो इट वाज लाइक बाय चांस आप बोल सकते हो कि आपने कुछ चीज़ देखी आपको बहुत अच्छी लगी, जैसे होता है ना कि मार्केट में गए, बच्चा जब मार्केट में जाता है उसको टॉय दिखता है, उसको लगता है वो ले लूँ, तो आपको वो मार्शल आर्ट्स में दिखा कहीं ना कहीं, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट, सर अगर आप मुझे बताएं एक चीज़, Divyanshi को आपने एज अ स्टूडेंट लिया, डेफिनेटली वो आपकी अर्जुन है, तो एक देखिए जब आप अपने एक स्टूडेंट को देखते हैं ना, हम स्कैन जरूर करते हैं स्टूडेंट को, एक लुक में जब वो बच्चा मेरे पास आया, आपने क्या ऐसा स्पार्क देखा, आपने क्या ऐसी क्वालिटी देखी कि आपको लगा यार ये बच्चा मेरा स्टूडेंट बने? स्टार्टिंग में नहीं था, बाकी जैसे ही पहला टूर्नामेंट खेला इसने तो इसके अंदर क्वालिटी नजर आई। और पहले हम ताइक्वांडो करते थे, ताइक्वांडो के लिए ऑडिशन लिया था, बाद में उस गेम को हमने चेंज किया, फिर ये वुशु में आई। वुशु में जब पहली बार खेली, यहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई ये मेडल मारेगी, और पहले टूर्नामेंट के अंदर इसने जब अचीव किया और गोल्ड मारा वहाँ नेशनल के अंदर, तो बड़ा अचीवमेंट था, तो उसके कारण फिर मुझे लगा कि बच्चे आगे बड़ा अचीवमेंट कर सकती है, और लगातार जब से फिर
कंटिन्यू नेशनल में गोल्ड मार रही है और हाल ही में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बुंडे में आयोजित हुई उसमें भाग लिया और राजस्थान को कांस्य पदक दिलाया है और पहली बालिका है ये कोटा से जिसने अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त किया है कोटा के लिए वुशु में। एग्जैक्टली, अगर हम मेडल्स की बात करते हैं नेशनल मेडल्स तो सारे ही गोल्ड है, मतलब चाहे बिहार ले लो चाहे झारखंड ले लो, तमिलनाडु भी आप एक बार गए थे राइट, तो सारी जगह ही आपके गोल्ड है, इजंट इट? बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये आपकी दिव्यांशी। सो दिव्यांशी, लाइक यू आर अ यंगस्टर, यू नो आप एक टीनेजर हो, एंड इफ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स जो आपकी एज की होती हैं, इफ आई टॉक अबाउट एनी कॉमन गर्ल, तो उनका होता है लिप शेड्स चूज करना, लिपस्टिक्स हो गई आपकी, आपकी नेल पेंट्स हो गए, तो थिंक अबाउट इट, है ना, जैसे आजकल डांडिया नाइट्स चल रही हैं, ड्रेसेस पहन के जाना, गरबा की ड्रेस पहन के जाना, नए नए हेयर स्टाइल्स के साथ में, बहुत सारी चीज़ें होती है, खुद को पैम्पर करवाना, आपको मन करता है ये सब करने का? यस मैम, मुझे भी करता है, जैसे मुझे मेकअप बहुत पसंद है। अच्छा, लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स, ये सब मुझे चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन स्पोर्ट्स पे होने के कारण कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, ये सब चीज़ें ऐसी है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है और उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और जिस चीज़ में हम अच्छे हैं वो हमारी डाउन होती जाएंगी, हम फोकस नहीं कर पाएंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्रेसेस, कितने ही ड्रेसेस खरीदती हो, फ्लॉन्ट करती हो? खरीदती तो नहीं हूँ, लेकिन मन करता है हर महीने के महीने मैं भी ड्रेस खरीदूँ, पहन के जाऊँ, इधर से उधर दिखाऊँ सबको, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। टाइम भी नहीं मिलता, सर बोलते हैं कि बस टी शर्ट और पजामा पहनकर आ जाओ स्टेडियम में, है ना? हाँ। यही रहता है आपका। ओके, नाउ लाइक इफ आई टॉक अबाउट स्पेशली योर हेयर, यू नो यू हैव शॉर्ट हेयर, तो एक इंसिडेंट है क्लास का जो मुझे बहुत ही पसंद है, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक यू नो व्हेनेवर आई आस्क द अदर गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर, मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि यू आर नॉट सपोज टू ओपन योर हेयर, एक क्लास का रूल है देखो ये, कि अगर आप स्कूल में आ रहे हो इफ यू हैव लॉन्ग हेयर आपको हमेशा उनको बंद करके रखना है, तो आप बहुत स्टाइल से मुझे देखते हो, ठीक है तुम बोलती कुछ नहीं हो लेकिन देखती बहुत स्टाइल से हो मुझे, उस स्टाइल में क्या है तुम्हारे? मुझे मैम आप जब बोलते हो कि गर्ल्स को प्लेट्स बना के आनी चाहिए, रेड रबर बैंड, तो मैम मेरे बाल को यूं करके बोलती हो, मैम शॉर्ट हेयर है, मैं तो मेरा तो कुछ रोल भी नहीं है। मतलब तुम्हें बहुत फ़ायदा मिल रहा है वुशु से, है ना, स्कूल में भी फ़ायदा, वैसे भी फ़ायदा, दैट्स ग्रेट। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट सैक्रीफाइसेस, सैक्रीफाइसेस बहुत सारे आपने किए हैं, आगे भी करने पड़ेंगे, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, आपको जब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जब आप स्टेडियम जाते हैं, आपको कौन एस्कॉर्ट करता है, किस तरह से आप जाते हो, क्या आपका पूरा डेली रूटीन क्या रहता है दिव्यांशी? मैम सुबह सुबह मेरे पेरेंट्स लेके जाते हैं, मम्मी पापा दोनों रहते साथ में, उधर ही रहते हैं, एंड तक निकलते हो आप? मैम 6 बजे स्टेडियम पहुँच जाती हूँ मैं, और 6 से 8:30 बजे तक करते हैं प्रैक्टिस, जब तक मम्मी पापा उधर ही रहते हैं, और फिर प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद में स्कूल से हमेशा परमिशन लेके रखती हूँ कि लेट आने की परमिशन दो मुझे प्लीज़, तो सर प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे जो हमें अलाउ कर देते हैं। फिर स्कूल आती हूँ 9:30 बजे तक, 9 बजे आ ही जाती हूँ, फिर स्कूल आके स्कूल का पूरा ड्यूरेशन चलता है, फिर 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 बजे घर पहुँच जाती हूँ, उसके बाद में तैयार होके 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर 4 बजे स्टेडियम, फिर 4 से 6:30 मम्मी पापा लेके जाते हैं, 6:30 बजे तक प्रैक्टिस, फिर घर आते हैं, फिर घर पे भी कराते हैं मम्मी पापा हार्ड वर्कआउट कराते हैं रात में भी, हाँ 8:30-9 बजे तक फ्री होते हैं, फिर मैम नीचे हमारे घर के मैट्स गेट और ये सब लगे हुए हैं तो उधर तक हम प्रैक्टिस करते हैं पूरा 9 बजे तक, फिर ऊपर आके नहा धो के फिर पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। अच्छा, फिर आपकी लेट नाइट पढ़ाई चलती है। सर अगर मैं बात करती हूँ डाइट की, डाइट हमारी बॉडी को बहुत कंट्रोल करता है, मतलब हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, मतलब हमारा बॉडी में हर चीज़ जो शुरू होती है हमारे वो स्टमक से ही होता है, तो क्या डाइट प्लान रहता है आपका दिव्यांशी के लिए? डाइट प्लान सही बच्चों के लिए लगभग एक सा है, हम जो ये जिम में प्रोटीन वोटीन लेते हैं ये अलाउड नहीं करते, सप्लीमेंट आप बिल्कुल मना करते हैं? बिल्कुल मना है उसका, ड्राई फ्रूट, सीजनेबल फल, सब्जियाँ, नॉन वेज ले सकते हैं, जो नॉन वेज नहीं है वो वेज रहेगा, दालें लें खूब, फल फ्रूट आ रहा है सीजनेबल फल जो भी आते हैं वो सीजनेबल फल लें,
फल फ्रूट हम पूरा ड्राई फ्रूट जो भी है उसका पूरा पाउडर बना के दूध में डाल के देते हैं, तो उससे वो प्रोटीन का काम कर लेता है। हम अन्य कोई चीज़ों को मतलब बाहर की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं, बिल्कुल मना कर रखा है, स्टिक कर रखा है बच्चों को, अगर कोई शिकायत मिल भी जाती तो फिर उसका रिमांड भी होता है। नहीं आप तो सर लग ही रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट है। दिव्यांशी कभी चीट करा है तुमने कुछ कि सर को बिना बताए कुछ खा लिया? हाँ मैम, जैसे कभी कभी मैम वेट तोड़ रही थी, स्पेशली जब मैंने करा है, मैंने 1 किलो काजू खा लिए एक साथ। फिर अच्छा, 1 किलो काजू एक साथ? एक साथ 1 किलो काजू, आधा किलो पिस्ता, पाव, किशमिश, ये सब खा लिया मैंने 15 मिनट में। खा खू के फ्री हो गई मैं, स्टेडियम चली गई, फिर स्कूल चली गई। सॉरी, स्कूल जाने के बाद मैं आई रात को, मैम वो वॉशरूम गई तो बहुत अजीब सा रहा। फिर मम्मी को बताया, मम्मी बोली क्या हुआ, मम्मी करने लग गई। फिर मेरे भैया एक डॉक्टर है, उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि कुछ जूस वूस पिलाओ, तो जूस पिया, फिर जाके सुबह तक नॉर्मल हुआ। कॉन्स्टिपेशन हो गया होगा बहुत ज़्यादा, हाँ, इतना काजू खा के। हाँ बापरे, मतलब तुम्हारे दिमाग में लेकिन ऐसा क्या आया कि मैं 1 किलो काजू खा जाऊँ? मैम वो मैं वेट तोड़ रही थी, तो वेट तोड़ते टाइम मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, बहुत तेज भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा काजू के डब्बा था तो उसमें काजू निकला हुआ था एक बाहर, मैंने सोचा पक्का पैकेट तो फटा हुआ है तो खा लेती हूँ एक बार भी। मैं नहा के आई, मैं तैयार हो गई थी, फिर मैं गई कमरे में, मैंने खा लिया सब कुछ, जल्दी से खत्म कर दिया। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी उस टाइम। हाँ है ना, राइट। तो सर कुछ प्रोटोकॉल आपके रहते हैं, कुछ डूज और डोंट्स डेफिनेटली आपके रहते होंगे, तो कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स, बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स जो आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर कि ये भैया ये लिमिट है, ये लाइन है आपकी, ये तो करना ही करना है या ये नहीं करना है, वो कुछ चीज़ें आपकी जो रहती है रोज़ की? प्रैक्टिस एक फिक्स है कि डेली 5 घंटे करना है, क्योंकि हम बड़ा अचीवमेंट का करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब त्याग करना पड़ेगा। और खाने पीने का एक सिस्टम है, वो पूरा आपको सेट रखना पड़ेगा अपने लैब का। जैसे तो बताया काजू, अभी इसने काजू और वो पिस्ता 1.5 किलो काजू पिस्ता खा लिया था, उस टाइम वेट तोड़ रही थी, इसका वेट था 60 kg, 52 लेके आना था इसको। अच्छा, तो लगभग 54 के आसपास आ गई थी ये, इसने खा के भाई 56 कर दिया। फिर वापस दो दिन बाद एशियन की ट्रायल थी पिछले वर्ष, 2 दिन बाद वापस एशियन की ट्रायल में जाना था और वेट वहाँ 52 के ही देना था। बाकी इसने वापस हार्ड वर्क किया 2-3 दिन और वापस वेट ला के दिया पूरा 52 kg और ये वापस फिट हो भी गई। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत हार्ड वर्क किया इसने, तुरंत पचाया उसको पूरा जो खाया उसको, और अपना वेट 52 दिया वापस। दैट्स ग्रेट ऑन योर पार्ट दिव्यांशी, और यही एक क्वालिटी है शायद कि आप इतना, सब आपको इतना पसंद करते हैं, बिकॉज डेडिकेशन बहुत है इसके अंदर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, आप जो भी बोलिए भर भर के भरा हुआ है इसके अंदर। सो इफ यू टॉक अबाउट आर दिस, आपकी जो जर्नी रही ब्रुनेई की, राइट, अभी आप 9th वुशु चैंपियनशिप के लिए आप वहाँ गए थे, सो व्हेन यू वेंट देयर आप अकेले गए, अकेले इन द सेंस मतलब आपके पेरेंट्स नहीं थे आपके साथ में, इवन सर भी आपके साथ में नहीं थे, क्या लगा उस टाइम पे आपके दिमाग में, क्या आया कि यार इस बार मेरे को अकेले जाना है, सर नहीं है साथ में? मैम मैं पिछली बार गई थी तब मुझे थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो गई थी मैं, तो पिछली बार भी अच्छा नहीं खेली, लेकिन इस बार मैं सोच के गई थी चाहे कुछ भी हो जाए जीत के आना है, और पेरेंट्स मम्मी पापा भी नहीं थे, सर भी नहीं थे, तो थोड़ा थोड़ा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि पिछली बार हारी थी, सब मेडल लेके फोटो खिंचा रहे थे और मैं बैठी हुई थी अकेली, अच्छा नहीं लगा, तो इस बार जीत के जाऊंगी ताकि मैं ना बैठी रहूं और मैं फोटो खिंचवाऊं, क्या मैं विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़ी हूं इस बार। हाँ है ना सर, आपको जब आपके स्टूडेंट्स इस तरह से जाते हैं, मतलब उनको जब अकेले जाना पड़ता है, आप नहीं होते एस्कॉर्ट करने के लिए, क्या गाइडेंस आप उनको देते हो, क्या एक ऐसी कोई लाइन है उनको आप बोलते हो, आप उनको चैनलाइज करते हो कि बेटा ये बात मत भूलना? एक तो मैं इनकी जो कमियां हैं उसके बारे में बताता हूँ, उस पर थोड़ा इश्यू करना खेलते वक्त, और जो सामने वाला माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट है उसका पूरा एक बार वीडियो देख लेता हूँ मैं, इनको बता देता हूँ कि इसमें इसका ये प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है, तो इस पर ध्यान रखना, इसके यहाँ से पॉइंट निकालना है हमें, यहाँ सेफ रहना है, वहाँ मैं तो रहूँगा नहीं, अब बताया कौन इनको, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो जहाँ भी मैच होते हैं तो मैं पीछे रहता हूँ, तो स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल ईजिली मैच निकल जाते हैं, बाकी वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर बच्चे के साथ उसका कोच जाए, जाना तो इंडिया टीम कोच है, जो भी जाना इंडिया टीम का कोच जाना है, उनकी पूरी लॉबी जाती है जो फेडरेशन की होती है, इस कारण प्रॉब्लम तो आती है, बाकी बच्चे क्या है कि जो समझा दिया गया उसी हिसाब से वहाँ पर जाके परफॉर्मेंस देते हैं, और कई बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, कोटा से अब तक 9 बच्चे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही हैं, पहुँच चुकी हैं।
पहुंच चुकी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये हमारी छठी बच्ची है जो वर्ल्ड चैंपियन खेल रही है, एशियन में खेल चुकी है, एशियन में मेडल मार चुके हैं हम, वर्ल्ड में मेडल मार चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बॉक्सिंग और वुशू दोनों ही खेलों में हम लगातार कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब आपकी जो जर्नी जो आपने शायद आज से 20-21 साल पहले जो आपने सपना देखा था अब वो आपको फल देने लगा है। जी जी, 2003 में हमने स्टार्ट किया था और लगातार कंटिन्यू चल रही है एकेडमी और राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कोटा से खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांशी, इस बार आप अकेले गए, एक नए देश में गए, नए लोगों के बीच में गए थे, सो मेनी पीपल अराउंड यू नो, अल्जीरिया, ईरान, फ्रांस, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज से वहाँ पे लोग थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम आगे बढ़ते हैं अपनी काबिलियत पे, कभी कभी जब हमको दिखने लगता है कि आगे हमारा कॉम्पिटिटर जो है बहुत स्ट्रांग है तो हम उसको ना कहीं पुल डाउन करने लगते हैं। आप जितना ऊपर उठते हो ना लोग उतना आपको नीचे खींचते हैं, रियलाइज़ करा आपने अपनी ज़िंदगी में? आपको लगा कि कभी आसपास वाले आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, ऐसा हुआ? मतलब कॉम्पिटिशन के दौरान, कॉम्पिटिशन से पहले या कंपटीशन के बाद कभी भी आपको लगा कि यार इसने मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की कोशिश करी? हाँ मैम। कब हुआ था ऐसा? मैं पिछले दो साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर मैम मैं गई थी तो मेरी पहली फाइट ईरान से थी। मैं फुल कॉन्फिडेंस में थी लेकिन एक भैया थे उनने मुझे कहा कि तेरी तो ईरान से है, ईरान वाले प्लेयर बहुत तगड़े होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो ऐसे थ्रो लगाते हैं, वो कि कैसे मारते हैं, वो ऐसे बहुत उनके बारे में ना बहुत बड़ाई कर दी। और मैं थी भी उस टाइम छोटी, 14 साल की थी मैं। तो मैम उस टाइम मुझे ना उनकी मैंने बातों पे थोड़ा विश्वास कर लिया तो उससे मैम बहुत कॉन्फिडेंस डाउन भी हो गया, तो उसकी वजह से मैं पिछली बार हार गई थी। मतलब किसी की सुननी नहीं चाहिए। हाँ, है ना, जब आप इस तरह के कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल फोकस माइंड से और बिल्कुल कान बंद इन सारे स्टेटमेंट्स के लिए। तो अब आप यूज करते हो, एक्सपीरियंस से सीखे अब आपने? हाँ। राइट, सो लाइक मार्शल आर्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब दिव्यांशी ने मुझे होमवर्क दिया इस बार, तो कल मतलब मैं पूरा टाइम मार्शल आर्ट के बारे में पढ़ रही थी, इंटरनेशनल, हमारा इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करती हूँ सर, सो मार्शल आर्ट इंडिया में करीब 3000 साल पहले शुरू हुआ था। लॉर्ड विष्णु जो कि परशुराम जी हैं उनको हम फाउंडर ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट बुलाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मतलब जब मैं छोटी रही होंगी तब मुझे पता था जूडो कराटे के बारे में, तब मुझे, और फिर उसके बाद में मुझे कुंगफू पांडा से कुंगफू के बारे में पता चला, फिर मुझे दिव्यांशी से वुशू के बारे में इतना सब कुछ पता चला। लेकिन जब हम अपनी इंडियन मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे गटका है, बहुत सारी हैं आपको पता होगा, उनको इतना बढ़ावा नहीं है, मतलब उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जागरूकता नहीं है लोगों में, तो ऐसा मतलब आपको लगता है नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है शायद हमारे ऊपर? इंडियन मार्शल आर्ट को बढ़ावा नहीं है इसलिए हमारा जो इंडियन जो खेल हैं भारतीय पद्धति के वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, इनको ऐसी गाइडलाइन चलानी चाहिए जिससे इन खेलों को कराया जाए, साल में एक बार अपना में बढ़ावा आएगा और इंटरेस्ट जगेगा। मिट्टी की कुश्ती हो गई, खो खो हो गया, कबड्डी तो अभी चलो जीवित हो गया वापिस, अभी अपने आपके मलखम हो गया, कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट जो कि केरल में होती है लगभग, तो इनको थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए तब जाके मार्शल आर्ट जीवित रह पाएगी, वरना तो इसका अंत हो जाएगा। इस बार देखना कहीं मतलब इसका कोई अंतरराष्ट्रीय मंच नहीं है कलारीपयट्टू का। बिल्कुल, बहुत मतलब इसका नुकसान हो रहा है, भारतीय पद्धति का खेल है, इसको जीवित रखने के लिए कोई प्रयास सरकार को करना चाहिए। मतलब अगर हम बात करते हैं चाइनीज मार्शल आर्ट, हर किसी को पता होता है इनके बारे में। जी जी। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिला है। जी जी जी। इंडियन मार्शल आर्ट्स के पास ऐसा कुछ भी स्कोप नहीं है। बिल्कुल। और इसलिए सर शायद जो यूथ है या हम ही है तो हम अट्रैक्ट होते ही नहीं इन सारी चीजों के लिए। बिल्कुल। सर जैसे मैं एक भगवत गीता में ही है एक बहुत सुंदर लाइन है, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसावादी जीवन जीने का रहता है हम भारतीयों को। हम बात करते हैं ऐसे मार्शल आर्ट्स की, बॉक्सिंग है, आप चाहते हैं कि दिव्यांशी आगे बॉक्सिंग में भी जाए, तो ऐसा तो नहीं होता कि इन स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन, गुस्सा, वायलेंस ये चीजें आती हैं, ऐसा होता है क्या? गुस्सा थोड़ा सा आता है भाई, गुस्से को हमें रिंग पे निकालना होता है, गुस्सा नहीं आएगा तो जीत नहीं पाएगा, इसमें गुस्सा नहीं है तो वो रिंग में जीत नहीं पाएगा। टाइसन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर है और वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि वो शुरू से आक्रामक था, उसकी आक्रामकता की वजह से वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर बना, तो वो गुस्सा हमें रिंग पे दिखाना है ना कि बाहर दिखाना है, गुस्सा तो करना है पर रिंग में आप जो 2 मिनट अंदर रिंग के अंदर हो आप खेल रहे हो उस टाइम गुस्सा दिखाना है, अदर्स वे में नहीं दिखाना है, वरना उसका हमें भुगतान भी करना पड़ सकता है बड़ा। हाँ। किसी को बड़ी इंजरी हो जाए, हम मार दे कर दे किसी को, और जो समय चल रहा है समय को देखते हुए थोड़ा सा
गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, माहौल को बहुत गंदा हो चुका है, तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आना जरूरी है। उसके लिए मार्शल आर्ट बहुत जरूरी है, प्रत्येक गर्ल्स के लिए जरूरी है। ये जरूरी नहीं हम केवल खेलने के लिए कर रहे हैं, हम जीवन में जीने के लिए भी सेल्फ डिफेंस आना जरूरी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं समाज के अंदर जिस प्रकार से गंदगी फैलती जा रही है, कई गंदगियां हैं फैलती जा रही है, तो उसे बचने के लिए सेल्फ डिफेंस आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। राइट, सो दिव्यांशी, इफ आई से आपको गुस्सा आता है रिंग के अंदर? रिंग में तो आता है मैम, कि मतलब कैसी कैसी फीलिंग होती है, मतलब सपोज जैसे ही विसिल ब्लो हुई, एंट्री हुई, सपोज आप थोड़ा सा वापस चले जाओ उन्हीं 7-8 दिन जो सितंबर के थे जो आपने बिताए ब्रुनेई में, है ना, आपके अगेंस्ट फ्रांस के आए, अल्जीरिया के आए, ईरान के आए, सारे कॉन्टेस्टेंट्स आए, तो जब आप रिंग में एंटर करते हो क्या एक दिमाग में रहता है, क्या इमोशन एक दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में ये रहता है कि बस उसको हरा के आ जाऊंगी, कुछ भी हो जाए जीत के आना है मुझे बस। और तुम्हारे जो सिग्नेचर रहते हैं स्टेप्स, या फिर आप बोल सकते हो कि आप पंच ज्यादा मारते हो, किक ज्यादा, क्या करती हो तुम? मतलब पंच और किक दोनों का मैं कॉम्बिनेशन लेके चलती हूँ, वही मैं ज्यादा मारती हूँ। अच्छा, पंच एज वेल एज किक? हाँ, राइट, ओके। और मैम जैसे रिंग में चढ़ते वैसे हमारा ये साइन होता है जो हम जज को, हमारे सामने वाले अपोनेंट को, सबको दिखाते हैं और हमारे कोचेस को भी दिखाते हैं, जो कि रिस्पेक्ट का साइन होता है, हम दिखाते हैं। अच्छा, वो शुरू में आप करते हैं? हाँ, राइट। और उसके बाद जैसे मैं देख रही थी तुम्हारे वीडियोस, मैंने कई सारे देखे, मैच के बाद में जैसे कि डिक्लेयर होता है कि विनर कौन है, ये कौन है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को हग भी करते हो? हाँ, ये एक रूल है क्या? हाँ मैम, वैसे है तो नहीं लेकिन हम फिर भी करते हैं, ताकि ठीक है, मतलब जो बनी रहे, जो हुआ वो गेम तक का पार्ट था, सिर्फ एक गेम था। हाँ, है ना, वो लाइफ नहीं है, वो तो सिर्फ एक हमारे गेम है, तो एक हाँ, उसका शायद वो एक साइन होता है, एक सिंबल होता है। हाँ, ओके, राइट। सेल्फ डिफेंस अगर मैं बोलूं, अभी सर ने भी कोट करा इस चीज को, मतलब एक लाइन है, उठ द्रौपदी अब ना गोविंद आएंगे, मतलब आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी है ना, तो आप क्या समझते हो, मतलब कि हर एक गर्ल चाइल्ड को क्या मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? हाँ मैम, सीखनी चाहिए। और वुशु गेम ऐसा है जिसमें किक, पंच, थ्रो भी होता है, तो हम तीनों से जैसे कोई हम पे अटैक करेगा तो हम किक मार के बच सकते हैं, पंच मारेंगे तो भी उसके लगेगी, थ्रो लगा गिरा देंगे, उतनी देर में हमें मौका मिल जाएगा कुछ और करने का। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली मैम जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें गर्ल चाइल्ड बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए गर्ल्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस आजकल गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वुशु के साथ जुड़ने के बाद आपको क्या लगता है कि आप कितने सेफ और सिक्योर हो गए? मतलब आप जा रहे हो कहीं, अकेले हो कहीं जगह भी हो, कहीं पे भी हो, आप नो बडी इज देयर अराउंड यू नो, और जब टाइम गलत होता है ना तो आप कितनी भी हेल्पलाइन चला लो, आप कितने बड़े बड़े एंटी रोमियो एक्ट्स बना लो, आप कुछ भी शुरू कर लो, आपको खुद को खुद ही बचाना होता है। हाँ, मानते हो ना आप वाली बात? हाँ मैम। तो वुशु क्या चेंज लाया आपकी लाइफ में? मैम इससे मैं कहीं रात को भी अगर अकेली जाऊंगी तो मुझे ये रहेगा कि कोई आ सकता है ना सामने तो आ जाए, मार दूंगी उसको बस। अच्छा, मार ही दूंगी बस? हाँ, मेरे पे अटैक करेगा तो मैं मार डालूंगी, कुछ भी हो जाए। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन। तो ये स्टेटमेंट आप इसीलिए दे पा रहे हो बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग। Yes. आपको अपनी प्रैक्टिस पे पूरा भरोसा है। हाँ, है ना, ईगो, ईगो सेल्फ एस्टीम का एक हायर वर्जन होता है ना, कि मेरा ईगो है भैया, मैं ऐसा क्यों करूं, राइट? ईगो आता है अंदर? कहीं कहीं पे आता है और कहीं कहीं में नहीं है। आपको क्या लगता है सर, एक स्पोर्ट्समैन है स्पेशली जो मार्शल आर्ट वाला है, उसके लिए ईगो उसका दुश्मन है या दोस्त है? कहीं कहीं ईगो रहना भी चाहिए, अपना जहां जमीर गिरने लगे वहां पर ईगो होना जरूरी है, और जहाँ हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए, ईगो सब जगह जरूरी नहीं है कि आप हर जगह ईगो दिखाओ, ईगो होना चाहिए थोड़ा सा अपना, जब जमीन गिरता हुआ दिखे तो वहाँ ईगो थोड़ा सा आना चाहिए, जब दिल को हर्ट करे अंदर कहीं कहीं गलत हो रहा है तो वहाँ तो अपना ईगो दिखाना चाहिए, दिखाना जरूरी भी जरूरी है। और जहाँ लगता है कि नहीं सब नॉर्मल है मेरे जैसे, उनके साथ वैसे बिहेव कीजिए आप। राइट, राइट। सो दिव्यांशी, लाइक इफ आई टॉक अबाउट योर ब्रुनेई कॉम्पिटिशन, राइट, इट वॉज 9th वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इजंट इट? आपका करियर मैंने जितना भी देखा, 2008 से जो आपने पहल करी, पंजाब से आपने करी थी 2018 में, isn't it? तो वहाँ पे भी आप गोल्ड आए, मतलब लगातार गोल्ड गोल्ड गोल्ड, एक आध जगह मुझे दिखा सिल्वर, अदरवाइज इट वॉज गोल्ड थ्रू आउट। फिर आपको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला इंटरनेशनल, अपना वर्थ दिखाने का, अपनी क्वालिटीज डिस्प्ले करने का इंटरनेशनल लेवल पर, देयर यू गॉट अ ब्रॉन्ज,
ठीक है, किस तरह से फेस करा आपने, क्या लगा उस टाइम पे? मैम जैसे हर बार मैं गोल्ड जीतती थी नेशनल में इधर, तो उधर जाके मैं पहली बार मैं बाहर गई जब मैं हारी भी, तो उसको एक्सेप्ट करा ठीक है, फिर और मेहनत करी, फिर इस बार मेरे ब्रॉन्ज आया मैम, उसी को मैम जैसे एक्सेप्ट करा ब्रॉन्ज को, वैसे मैंने गोल्ड को ज़्यादा एक्सेप्ट करा है, लेकिन ब्रॉन्ज मैम मेरी चाह थी कि मैं गोल्ड ही जीतूँ, क्योंकि मैम गोल्ड जीतना मैम बात अलग है, लेकिन मेरा फ्लैग कहीं ना कहीं थर्ड पोजीशन पे था, तो वो मेरे लिए ज़्यादा दुख की बात थी, क्योंकि मैम ईरान चाइना दोनों का फ्लैग मुझसे ऊपर और वियतनाम और मेरा फ्लैग बराबर में, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, सो यू वांटेड कि जो इंडिया का फ्लैग है वो सबसे ऊपर होना चाहिए था। हाँ। तो कुछ कमिटमेंट्स करे, कुछ प्रॉमिसेस करे उस दिन आपने खुद को? मैंने ये करा कि थ्रोइंग ज़्यादा अच्छी करके आऊँगी, क्योंकि मैं थ्रोइंग से ही हारी थी, तो थ्रोइंग अच्छी करूँगी इस बार, और जितना भी अभी डर होगा मेरे दिल में तो उसको खत्म कर लूंगी, और झंडा अपना सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर रखूंगी, होना चाहिए। हाँ। मतलब वो एक मोमेंट था जब आपने फ्लैग्स देखा। हाँ। और फ्लैग्स की पोजीशन देखी, सो देयर यू फेल्ट कि नहीं मुझे और मेहनत करनी है। हाँ। सर आपका रिएक्शन कैसा था आपके पास जब न्यूज आई, कैसे आई, क्या लगा आपको? हमें उम्मीद पूरी गोल्ड की थी दोनों की, दो बच्चे गई थी कोटा से, इंडिया टीम में तीन बालिकाएं थी, दो कोटा की थी, और जब ब्रॉन्ज आया फिर सामने लगा, जब रिजल्ट देखा हमने ईरान का, ईरान की जो लड़की थी वो 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता थी, 2023 एशियन में स्वर्ण पदक विजेता थी, और एशिया की बेस्ट बॉक्सर थी, वो वुशु प्लेयर थी वो। तो मैंने कहा जो भी हमने स्वीकार किया उसको, कुछ गलतियाँ थी, कुछ कमियाँ थी, उन कमियों को सुधारेंगे और नेक्स्ट टाइम इसको ब्रॉन्ज को गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, कोशिश ये रहेगी। और इसने भी स्वीकारा है दिव्यांशी ने भी कि मेरी गलतियाँ रही कुछ, तो उसमें अपना टेक में कुछ चेंजिंग लेके आएंगी, पॉइंटों से आगे थी स्टार्टिंग में, बाकी बाद में वहाँ खिलाने का फर्क पड़ गया, कोच एक जनरल जो बेसिक कोच होता है वो अलग होता है, एक वहाँ इंडिया टीम का कोच वो अलग होता है, उसका कुछ फर्क पड़ा बच्चों में, उसका प्रॉब्लम आता है, ये बच्चों को आता है प्रॉब्लम, बेसिक कोच वो पर जान सकता है हर जगह, क्योंकि लंबा एक बड़ा खर्चा होता है उसके अंदर, वो बड़ा खर्चा होता है, जो इंडिया गवर्नमेंट के जो कोच है वही जाते हैं, इससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी हम फिर भी खुश हैं कि राजस्थान कोटा का इसने खाता खोला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ये बड़ी बात हमारे लिए, जैसे ब्रॉन्ज भी लिया तो कोटा की पहली बालिका है जो उशू के अंदर पदक लेके आई है, हमारे गर्व का पल है बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है, खैर बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। एक डाइट को लेकर के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरा, एक बहुत जरा आप बोलिए मिथ या मिसकंसेप्शन, आई डोंट नो, जब भी बच्चा इन सब चीज़ों के लिए जाता है बॉक्सिंग वुशू, एक माइंडसेट रहता है लोगों का कि शायद वो नॉन वेजिटेरियन होगा। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब डाला दिव्यांशी की अचीवमेंट अपने स्टेटस पे, आई गॉट अ फोन कॉल, उनका क्वेश्चन ये था मुझसे कि मैम क्या दिव्यांशी नॉन वेजिटेरियन है? मैंने कुछ आंसर नहीं करा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा देखो ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं दे सकती हूँ, पर ठीक है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मैंने इतना बोल के फोन रख दिया। सो दिव्यांशी आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि डाइट में तुम्हारा पूरा वेजिटेरियन ही डाइट रहता है? यस मैम। तो सर मतलब सारा प्रोटीन वेज डाइट से भी ले सकते हो? बिल्कुल, वेज डाइट लेते हैं और लेते आए, कंटिन्यू ले रहे हैं, अभी जैसे टूर्नामेंट में गई है ब्रुनेई वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो वहाँ बहुत परेशानी आई क्योंकि वहाँ पर लगभग नॉन वेज दिया गया, कुछ सब्जियाँ दी गई उबाल के, उन्होंने खा के काम चलाया अपना, यहाँ तो कुछ पैकेट ले गई दालों के, तो खाने की बहुत प्रॉब्लम आती है, इससे बहुत कमजोरी आई बच्चों को। अच्छा, दो हमारी जितनी बच्चियाँ हैं या कोटा वाली लगभग सारी वेजिटेरियन ही है, नॉन वेजिटेरियन कोई भी नहीं है, एक आध बच्ची कोई होगी जो नॉन वेजिटेरियन होगी, बाकी सारी वेज वाली है। बहुत प्रॉब्लम आती है हमेशा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, क्योंकि उनको प्रॉपर जो इंडियन वेजिटेरियन फूड है फूड मिल नहीं पाता है, उसके प्रॉब्लम आती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम आपने मतलब वहाँ जाके फेस करी? हाँ। यहाँ तो चलो सब कुछ अपने हाथ में रहता है, बट देयर यू फेस्ड। हाँ। तो आप अपना ये प्रोटीन पाउडर वगैरह नहीं लगे थे, काजू और ये सारा? मैम ये मैम मिल्क भी मैम पाउडर्ड मिल्क था, तो उसके साथ ले भी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता, और मैम मम्मी ने घर से लड्डू बना के दिए थे तो खा लेते थे, उससे भी पेट भर जाता था, और उधर फ्रूट्स ये पपीता तरबूज ये तो वो खा लेते थे। Okay. और चावल थे वो, उनसे मैम करा, लेकिन मैम वेजिटेरियन मैम अगर जो कोई वेजिटेरियन है चाहे वो प्लेयर है ना, वो भी मैम आगे तो बढ़ेगा ही, नॉन वेज तो मैम ऐसा है नहीं कि नॉन वेज बस सब कुछ है, कि नॉन वेज के बिना कोई एक खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता। अक्षय कुमार, विराट कोहली, जॉन इब्राहिम, रोहित शर्मा, मैम ये सब भी तो वेजिटेरियन है, ये आगे बढ़ रहे हैं, मैम हम क्यों नहीं बढ़ सकते? Exactly. तो एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर। हाँ। कि भैया अगर ये खेलता है ये करता है तो जरूर नॉन वेजिटेरियन होगा।
सो दैट्स ग्रेट कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो. यू आर सो यंग, आप अकेले बाहर जा रहे हो विदाउट योर पेरेंट्स, विदाउट योर कोच, एंड यू आर बिकमिंग एन इंटरनेशनल आइकन. सो हैट्स ऑफ टू यू दिव्यांशी. सर अगर मैं आपकी बात करूँ, कितने स्ट्रिक्ट हैं सर, कितने स्ट्रिक्ट हैं दिव्यांशी? बहुत स्ट्रिक्ट है सर. जैसे सर के सामने मैम पूरी अच्छे से ईमानदारी से हम प्रैक्टिस करते हैं. सर जैसे ही जाते तो हम थोड़ा एक दूसरे से बात करते हैं, आराम से हो जाते, चिल. जैसे कोई दूर से बता देता है सर आ रहे सर आ रहे, वैसे ही वापस ढंग से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं. टेढ़े टेढ़े देखते हैं कि हाँ भाई सर देख रहे, ढंग से करा, ढंग से कर तू. अच्छा, ऐसा रहता है. ओके, तो ये एक बॉन्ड है जो हर एक कोच और होता है एक बच्चे के बीच में. सो दैट्स लवली. सो वी हैव अ राउंड नाउ, इट इज ट्रेनर ट्रेनी बॉन्ड. ठीक है सर, कुछ क्वेश्चंस हैं जो दिव्यांशी के पर्सपेक्टिव से हैं आपके लिए, एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर कोच. तो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, एक मिनट का टाइम दे रही हूँ. ठीक है, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे बिना चीटिंग के. ठीक है, राइट? सो इफ यू से विल स्टार्ट. राइट, सो लेट्स चेक आउट. ठीक है, कि कितनी बॉन्डिंग है, कितना आप जानते हैं एक दूसरे को. दिव्यांशी का फेवरेट फूड तो सर को नहीं पता है, सर ने लिखा नो आइडिया. क्या है वैसे तुम्हारा फेवरेट फूड? मैम सब पसंद है मुझको. हाँ वो तो मैं समझ गई हूँ, तुम्हें सब पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा खीर चूरमा, दाल चूरमा, पनीर की सब्जी. ओके, और जब दिव्यांशी से पूछा गया कि फेवरेट फूड ऑफ कोच, शी हैज रिटन पनीर की सब्जी, क्या सही है सर ये? सब ठीक है, जो बराबर थे मेरा. ओके, फेवरेट कलर कोच सर का है ब्लैक. यस, बिल्कुल ठीक है, गुड दिव्यांशी, वेरी गुड. सर को नहीं पता है, देखो सर ने यहाँ पे नो लिख दिया फिर से कि मुझे तो नहीं पता दिव्यांशी का कलर भी. इफ आई टॉक अबाउट सर की स्ट्रेंथ, तो दिव्यांशी लिखती है एकेडमी का सब, सॉरी एकेडमी के सभी के एक साथ रहना, यही आपकी स्ट्रेंथ है. सर ने लिखा है कि दिव्यांशी की तो स्ट्रेंथ ही बहुत हाई है, क्या बोले इसकी स्ट्रेंथ के बारे में तो. राइट, लास्ट टाइम सर को कब गुस्सा आया था, तो दिव्यांशी ने लिखा कि जब मैं हारी थी. सही है सर, तब आपने गुस्सा करा था काफी. बिल्कुल, एशियन में हारी थी, एशियन में जब हारी थी ट्रायल के अंदर, जीती ऑन साइड एक तरफ फाइट चल रही थी. हाँ जी, 20-2 आगे चल रही थी. हाँ? पता नहीं क्या क्या सेकंड, 20-2 से आगे चल रही थी, आगे चल रही थी ट्रायल के अंदर, क्या रुकवाती नहीं फाइट. सेकंड राउंड के अंदर उसने जैसे डिफेंस शुरू किया तो इसने पता नहीं क्या खेलने बंद कर दिया यार, एक पॉइंट सेकंड राउंड हार गई, थर्ड राउंड एक पॉइंट से हार गई और एशियन सिलेक्शन रुक गया. इसको जीवन भर याद रहेगा इसको. हाँ, मुझे भी मलाल रहेगा इसका. वही चीज उसने लिखी है, लास्ट टाइम दिव्यांशी का गुस्सा तो तुम करती हो, काफी करती हो, हमेशा ही करती रहती हो, ऐसा सर का कहना है. राइट, ऐसा है क्या? सर का फेवरेट डायलॉग, अब दिव्यांशी ने लिखा है जो मक्कारी करेगा, मक्कारी करेगा. आप ही बोलो बेटा इसको, मेरे को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बोलो. जो मक्कारी करेगा उसकी वो जितनी अभी उसने प्रैक्टिस करी है ना, वो टूर्नामेंट में पता चल जाएगी. अच्छा, ये सर का फेवरेट डायलॉग है. राइट, और दिव्यांशी का बहाना जो है वो ये रहता है कि सर आज पैर में दर्द है. पैर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है. अच्छा, ये ऐसे बोलती है? हाँ, कभी बोलती थी, कभी जिसको बहाना करना होता है. हाँ, ये बहाने वाला तुम्हारा स्टेटमेंट है. ओके, और कोच सर का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, जो कभी पनिशमेंट आपको मिली थी, इसने लिखा है कि एक बार बहुत ही खराब खेला और हारने पर पता चलता है. चाटा पड़ा था. अच्छा, तुमको चाटा पड़ा था? हाँ, यू गॉट अ स्लैप आल्सो, वेरी गुड. कब हुआ था ये, जब चाटा पड़ा? एशियन वाले ट्रायल, उसी पे ही पड़ा था. और उस चाटे का फल क्या मिला? फिर मैं इस बार जीत गई. सो दिव्यांशी, दैट वाज रियली ग्रेट. सो थैंक यू सर, एंड थैंक यू दिव्यांशी फॉर बीइंग इन द शो. मतलब बहुत ही लाइवली सेशन था, बहुत मजा आया. दिव्यांशी के बारे में बहुत कुछ सीखा और आपके बारे में बहुत कुछ जाना मैंने दिव्यांशी के थ्रू. सो इट वॉज रियली वंडरफुल. अब मैं चाहती हूँ कि सर पहले आप एक मैसेज दे दें हमारे सारे व्यूअर्स को, जो भी सोचते हैं कि मार्शल आर्ट क्या है क्या नहीं है, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज. सर, मार्शल आर्ट हमारे जीवन में जिस प्रकार का हमें आज माहौल मिल रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज़ है. क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी जनरेशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है, फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल बिगड़ गया है बच्चों का, केवल खान पान गंदा हो चुका है और सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता जा रहा है. सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है. कुछ मार्शल आर्ट है जिनसे गवर्नमेंट से एड नहीं मिलता है और मान्यता प्राप्त नहीं है राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल में, जैसे ताइक्वांडो. प्रत्येक स्कूल के अंदर ताइक्वांडो चल रहे हैं
और जबकि ताइक्वांडो को कोई प्राइज मनी स्पोर्ट गवर्नमेंट नहीं देती है, जबकि वुशु से अब तक कोटा से 17 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं और लगभग 5 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वुशु से और 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बॉक्सिंग से खेल चुके हैं कोटा से और लगातार खेल रहे हैं। वुशु प्रेजेंट टाइम पर राजस्थान के अंदर ए ग्रेड में है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट राजस्थान टीम नेशनल लेवल पर दे रही है, इंटरनेशनल लेवल पर दे रही है। प्रत्येक वर्ष राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है वुशु का। अभी हाल ही में आउट ऑफ 10 जो कि राजस्थान सरकार की पॉलिसी थी, इसमें डायरेक्ट खिलाड़ी को नेशनल मेडल मारने पर जॉब पे लिया गया, उसके अंदर 500 वैकेंसी में से 43 सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो वुशु की लगी है, उसमें 23 बच्चे वुशु के जॉब पे लगे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है वुशु के लिए। लगातार वुशु आगे बढ़ रहा है और आने वाले भविष्य में ओलंपिक में सम्मिलित होगा और एक अच्छा परिणाम भारत देश का ओलंपिक में रहेगा। मुझे उम्मीद है कि लोग उन्हीं मार्शल आर्ट को करें जो राजस्थान गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, अन्य मार्शल आर्ट करने में कोई मतलब नहीं है, उसका समय बर्बाद हो रहा है, बच्चे का लंबा समय दिया है बच्चे ने, बाद में आपको मालूम पड़े कि ये सर्टिफिकेट काम नहीं आ रहा है हमारे, किसी काम का नहीं है, तो इसी को मार्शल आर्ट ना करें जो मान्यता प्राप्त नहीं है। जो मान्यता प्राप्त मार्शल आर्ट है उन्हीं को आप अपनाएं और उन्हीं को अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी बॉडी फिटनेस में और काम में लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिव्यांशी, समथिंग यू वॉन्ट टू से टू आवर ऑडियंस? मैम कि सब गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम को देखते हुए बहुत डेंजरस है गर्ल्स को ऐसे अकेला जाना, तो अगर वो सीखेंगी तो उनके दिल में कोई खौफ नहीं रहेगा और वो कहीं पे भी अकेली जा सकती हैं। तो मतलब ये आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है? हाँ। और ये बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि वुशु इज नॉट सिंपली अ चैंपियनशिप, ये इवन आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है, मतलब इट हेल्प्स यू गवर्नमेंट जॉब तक दिलवाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड दिव्यांशी, ऑल आई वांट टू से इज दैट आप इसी तरह से हम सबका नाम रोशन करते रहो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सर शो करने के लिए। और एक ये टोकन है, दिस इज फॉर यू। थैंक यू मैम, आपका प्यार आशीर्वाद दिव्यांशी पे बना रहे। दिस इज फॉर दिव्यांशी। दिव्यांशी, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और भी जो टूर्नामेंट्स और सारी जो भी चैंपियनशिप आ रहे हैं उन सब में तुम जीतो। गॉड ब्लेस यू। सो लाइक एवरी एपिसोड देयर वर सेवरल टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन ऑल्सो। आज के सेशन के लिए मैंने बहुत सारा होमवर्क करा अबाउट मार्शल आर्ट, बिकॉज मुझे इसका ABC भी नहीं पता था। आई लर्न सो मेनी थिंग्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने कोच के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रिक्टनेस के साथ प्यार बहुत ज़रूरी है। सो विद दिस आई साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशन विद सुप्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज आई ऑलवेज से, प्लीज डू कमेंट ऑन आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।